मैं इस आरोप को बिल्कुल मानता हूँ कि मैं शिवानी को लेके थोड़ा सा पार्शियल हूँ। तो आज जो घर से बेघर होने वाला है वो है दीपक आप। सभी को बताना चाहते हैं कि अरमान का कार्यकाल बतौर हेड ऑफ हाउस अब खत्म होता है। हाउस की वो कुर्सी खाली अच्छी नहीं लगती, इसलिए आज इस घर को एक नया हेड ऑफ हाउस मिलेगा। अबे नागिन, गटर चाप तुम हो, दिखता है वो, उसको समझा गटर चाप को। अबे नागिन, गटर चाप तो क्या बोलूं तेरे को, मतलब ये वो है जो लोगों की कब्र के ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़े। मतलब मकबूल वो कैरेक्टर है कि जिस स्पेस में कैमरास ना हो ना, मैं उसके साथ वो स्पेस में जाऊं ही ना। कैमरास लगे हैं तो ये है, सोचो बाहर जहां कैमरास नहीं है क्या करती होगी। कि आप उसके लपेटे में आ गए हो मकबूल के। उधर चुड़ैल के साथ बैठना बंद करो। चुड़ैल से ना मकबूल। बस बात कर रहा हूं, जो अवार्ड जाता है नागिन वाला, क्या मैं आपके लिए बनवा दूं? आप तीन चार करेक्टर लगते हैं, एक तो मुझे लगता है नागिन, एक तो मुझे लगता है बरसाती मेंढक, एक लगता है मुझे गिरगिट। तो आप तीनों में से ना वोट करना कि सना मकबूल को कौन सा अवार्ड देना चाहिए। बिकॉज आई थिंक अगर ये घर से बेघर हो तो काफी झगड़े हैं घर में, वो शायद कम हो जाए। बहुत अजीब सा लग रहा है, लोग कितना नेगेटिव सोच रहे हैं हमारे बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको कौन लगता है कि बिग बॉस में कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन विलन है? तो विलन तो कृतिका नैनमान ही है। जो कृतिका ने आज बिहेव किया शिवानी के साथ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सो होते हैं अलग अलग जगह के लोग होते हैं, अपने अकॉर्डिंग वो हाइजीन रखते हैं। और कौन, कृतिका को भी मैंने बहुत बार देखा है किचन में जूठे हाथ से ही खाती है, उसको सबको खिलाती है खाना को। सो यहाँ पर मैं निकल रही थी घर के लिए, 10 मिनट्स की बारिश ही हुई थी और यहाँ पर जयपुर की सड़कों में देखिए कितना ज़्यादा पानी भर गया है। तो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए। और मुझे बताइए कि बिग बॉस में आपको क्या लगता है कि इस बार विनर कौन बनेगा, कटारिया या फिर रणवीर या फिर विशाल या फिर शिवानी? तो मुझे तो लगता है कि जो कंपटीशन होगा कटारिया विशाल और रणवीर के बीच में ही होगा। और अभी जो जाएंगे अरमान ही जाएंगे, कृतिका जाएगी और नेजी जा सकते हैं। बाय।